वेरी गुड इवनिंग व्यूअर्स, मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में जो दो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो इस समय सबसे हॉट टॉपिक बने हुए हैं, उनकी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। पहला जो टॉपिक है वो आरबीआई की जो आज मॉनिटरी पॉलिसी, जो फाइनेंशियल ईयर 23 जो स्टार्ट हो गया 1 अप्रैल से, उसकी पहली जो मॉनिटरी पॉलिसी रिव्यू थी जिसकी मीटिंग 6 अप्रैल से स्टार्ट हो गई थी और 3 दिवसीय मीटिंग थी, 6 मेंबर्स के बीच में काफी डिस्कशन के बाद में आज उसके निर्णय है, उसकी हम चर्चा इस वीडियो में आगे करेंगे। इसके अलावा भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन को लेकर आरबीआई के क्या प्रोजेक्शन आने वाले हैं वो भी हम आपको आगे बताएंगे। दूसरा जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, वो भारत की दो चुनिंदा दिग्गज कंपनीज हैं, एक एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है एचडीएफसी, और दूसरा जो है भारत का सबसे बड़ा जो कमर्शियल प्राइवेट सेक्टर बैंक है एचडीएफसी बैंक, इनके मर्जर से रिलेटेड न्यूज है दोस्तों। उसमें बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आई हैं, कई लोग उसमें जो है तरह तरह के उनके मन में जो है प्रश्न उमड़ उमड़ रहे हैं, उनकी चर्चा इस वीडियो में हम आगे करने वाले हैं। सबसे पहले जो लोग नए इस चैनल पे आए हैं उनको मैं बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से हम फाइनेंशियल मार्केट की एजुकेशन अवेयरनेस का काम कर रहे हैं। इक्विटी मार्केट में जो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स हैं उनको किस तरीके से ऑपरेट करना चाहिए, किस तरीके से नॉलेज उनको लगातार जो है गेन करना चाहिए, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल न्यूज और अपडेट्स होते हैं जो कि इक्विटी मार्केट को, फाइनेंशियल मार्केट को प्रभावित करते हैं, उनकी चर्चा हम इस वीडियो में करते हैं। डेरिवेटिव्स के अलग अलग जो कॉन्सेप्ट है फ्यूचर और ऑप्शन में, किस तरीके से जो है बेस्ट हेजिंग स्ट्रेटजी के माध्यम से आप अपने पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हो, या स्पेकुलेटिव जो स्प्रेड स्ट्रेटजीज होती है उनके माध्यम से किस तरीके से आप बेनिफिट ले सकते हो, उसकी चर्चा हम करते हैं। कमोडिटी मार्केट्स की भी जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो आपको देते हैं। करेंसी मार्केट में चाहे डॉलर इंडेक्स की बात करें, यूएसडी आईएनआर की बात करें, इसकी चर्चा भी हम आपके साथ में करते हैं। ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल फैक्टर्स जो है, मार्केट के जो बड़े बड़े मैक्रो फैक्टर्स होते हैं जैसे जीडीपी है, इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं, पर कैपिटा इनकम है, प्राइवेट एक्सपेंडिचर है, चाहे हम डिमांड्स की बात करें, एफआई इन्वेस्टमेंट की बात करें, एफडीआई इन्वेस्टमेंट की बात करें, कॉर्पोरेट अर्निंग्स की बात करें अलग अलग क्वार्टर के, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैक्रो फैक्टर्स होते हैं जो इकोनॉमिकल एनालिसिस में काम आते हैं, उसकी चर्चा हम इस अपने यूट्यूब चैनल में करते हैं। म्यूचुअल फंड्स की भी जो है लगातार इंपॉर्टेंट वीडियोज हम आपके सामने बनाते हैं, तो जो लोग म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो है एजुकेशन अवेयरनेस चाहते हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके जो हमने वीडियो रखे हैं, चाहे एसआईपी की बात करें, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ऐसे कई इंपॉर्टेंट वीडियो आपको जो हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। इसके अलावा जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, जो पर्सनल फाइनेंस के कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनकी चर्चा भी हम अपनी वीडियो में चैनल में करते हैं। तो आशा करता हूं कि जो ये प्रयास हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि जो एक अच्छी इन्वेस्टर और ट्रेडर्स की कम्युनिटी हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल में जुड़ सके, किसी भी तरीके के लालच और डर पैदा करने का काम हम अपने यूट्यूब चैनल में नहीं करते। हम कोशिश करते हैं कि आपको सही तरीके से जितनी भी जानकारी हमारे पास में उसको फिल्टर करके सही माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करें। तो आशा करता हूं कि अगर आपको हमारे चैनल का काम पसंद आ रहा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उसमें जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियो की जानकारी मिल सके। इसके अलावा आप अपने जो भी फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स और नियर एंड डियर्स हैं उनके साथ हमारे यूट्यूब चैनल की चर्चा करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल का मेंबर बनाने में हमारी हेल्प करें। तो चलिए अब आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, आरबीआई की जो आज क्रेडिट पॉलिसी है, फाइनेंशियल ईयर 23 की जो फर्स्ट क्रेडिट पॉलिसी थी, उसमें काफी बोल्ड निर्णय आरबीआई की तरफ से लिया गया है। और जैसा कि जो लोग फाइनेंशियल मार्केट को ट्रैक करते हैं, हमने अपने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक ईसीबी और अमेरिका का जो फेड बैंक है उसने इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ाए हैं, तो ऐसी एक्सपेक्टेशन थी इस पॉलिसी में कि हो सकता है जो कि इन्फ्लेशन के नंबर काफी हाई टेरिटरी में है, और जब इन्फ्लेशन बढ़ता है और ग्रोथ उस हिसाब से पिकअप नहीं हो पा रही है, तो ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि आरबीआई भी रेपो रेट में कुछ वृद्धि मिले। पर ये एक बोल्ड निर्णय आरबीआई की जो 6 मेंबर्स हैं, 6-0 से ये जो है आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी है उसका निर्णय आज ही निकल के आया है, और पूरा पॉलिसी को जो है अनचेंज रखा है, चाहे रेपो रेट की बात करें, रिवर्स रेपो रेट की बात करें, सीआरआर की बात करें, एसएलआर की बात करें, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी की बात करें, तो सारे रेट्स को अनचेंज रखा है। इसके अलावा पॉलिसी का जो स्टांस है, जिसमें बहुत सारे एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हो सकता है आरबीआई इस पॉलिसी के स्टांस को, जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता रहा हूं कि जनरली जब आरबीआई की पॉलिसी आती है तो इसके 3 इंपॉर्टेंट स्टांस होते हैं, या तो एकोमोडेटिव पॉलिसी होगी, या न्यूट्रल पॉलिसी होगी, या कैलिब्रेटेड टाइटनिंग होगी।
तो ऐसा एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन थी कि हो सकता है आरबीआई का जो एकोमोडेटिव रुख है अभी पॉलिसी को लेके, एकोमोडेटिव का मतलब होता है कि आगे चल के हो सकता है कि आपको दरों में और जो है गिरावट देखने को मिलेगा और उसमें कटौती की जाए, परंतु ऐसा लग रहा था कि एकोमोडेटिव से आरबीआई न्यूट्रल स्टांस की तरफ जा सकती है और आने वाले दिनों में फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ सकती है। पर आरबीआई ने एक बोल्ड निर्णय के द्वारा जो पॉलिसी का स्टांस है उसको भी अभी एकोमोडेटिव मेंटेन किया है और आरबीआई लगातार जो है इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर जो है एम्फेसाइज कर रहा है। जिस तरीके से आरबीआई ने पूरे रेट्स को स्टेबल रखा है, उसके अलावा जो लिक्विडिटी मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट काम आरबीआई करता है, और आपको ध्यान होगा कि कोरोना के टाइम पे जो है सारे सेंट्रल बैंक ने वर्ल्ड के एक्सेस लिक्विडिटी सिस्टम के अंदर डाली थी, तो आरबीआई भी लगातार वो जो एक्सेस लिक्विडिटी थी, क्योंकि उसके कारण भी कई बार इन्फ्लेशन के बढ़ने का खतरा रहता है, तो जब सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो लिक्विडिटी को टाइट करना पड़ता है, तो लिक्विडिटी मैनेजमेंट को लेके भी जो है आरबीआई लगातार प्रॉपर तरीके से उसको जो है सिस्टम से बाहर ले रही है, पंप आउट कर रही है, तो उसको रिलेटेड भी कई तरीके के मेजर्स लिए गए, कई ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं, तो कई तरीके से लिक्विडिटी को भी कंट्रोल किया जाता है। और चूंकि इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया गया है, तो जो क्रेडिट ग्रोथ का जो एक ऑब्जेक्टिव रहता है आरबीआई का पॉलिसी के माध्यम से, उसमें भी जो है लगातार जो है हाउसिंग लोन की बात करें, ऑटो लोन की बात करें, उनमें वृद्धि देखी गई है। तो फॉरेन रिजर्व्स की भी जहां तक बात करते हैं, तो भारत का अभी भी फॉरेन रिजर्व्स काफी अच्छे नंबर पे बना हुआ है, चाहे हम करेंसी रिजर्व की बात करें, गोल्ड की बात करें, या जो ग्लोबल बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज होती हैं, तो इस तरीके से भारत का फॉरेन रिजर्व भी काफी मजबूत बना हुआ है। तो आरबीआई की ये जो पॉलिसी निकल के आई है, इसमें जो इकोनॉमिक ग्रोथ की जो फाइनेंशियल ईयर 23 है उसमें जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको थोड़ा कट डाउन किया गया है, और 7.2% के आसपास आरबीआई का मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 23 में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है भारत की वो 7.2% रह सकती है। इसके अलावा जो इन्फ्लेशन का टारगेट है उसको थोड़ा सा आरबीआई ने जो है अपग्रेड किया है, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी लगातार जो है ग्लोबल कमोडिटीज की जो प्राइजेस हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, रशिया और यूक्रेन के बीच में जिस तरीके से टेंशन है उसके कारण जो है एनर्जी के और गैस के जो प्राइजेस हैं वो भी लगातार ग्लोबल मार्केट में बढ़ रहे हैं, तो इस कारण इन्फ्लेशन बढ़ना जो है लाजमी है कि इन्फ्लेशन जो है बढ़ेगी, तो आरबीआई ने भी जो अपना फाइनेंशियल ईयर 23 का टारगेट है उसको बढ़ा के 5.7% किया है। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि 5.7% जो इन्फ्लेशन सीपीआई का जो टारगेट है वो अपर साइड पे है, और हमारा भी ऐसा मानना था कि ये हो सकता है 5.5-6% के बीच में रह सकती है इस फाइनेंशियल ईयर में, और इकोनॉमिक ग्रोथ में हो सकता है कि 7-7.5% के बीच में ये मेंटेन हो, तो आरबीआई का जो टारगेट है वो विद इन हमारी भी जो एक्सपेक्टेशन है उसकी रेंज में 7.2% के आसपास। तो ओवरऑल पॉलिसी को जो है मार्केट ने हाथों हाथ लिया है, मार्केट अभी भी मजबूत बने हुए हैं, तो इस पॉलिसी को हम थम्सअप दे सकते हैं, और आने वाली जो जून की पॉलिसी है उसमें हमें नजर रखना होगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर 23 है इसमें कहीं ना कहीं वर्ल्ड में अब ये एक सेंटिमेंट बन गया, और जिस तरीके से फेड ने अपनी पिछली कॉमेंट्रीज में ये बात स्पष्ट की, और जिस तरीके से उन्होंने 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाया भी है, तो हो सकता है इस फाइनेंशियल ईयर में आपको 100 बेसिस पॉइंट तक जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ती दिखे, तो आने वाली मीटिंग्स काफी इंटरेस्टिंग होगी, जिनका भी लगातार हम अपडेट आपके साथ में शेयर करेंगे। दोस्तों आरबीआई की पॉलिसी के अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम अपने इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं वो दोस्तों एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड है। एचडीएफसी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हाउसिंग फाइनेंस और एनबीएफसी सेक्टर की दिग्गज कंपनी से, चाहे हम रिटेल लोन्स की बात करें, कॉरपोरेट लोन्स की बात करें, एसएमई लोन्स की बात करें, इन सब में एचडीएफसी का जो पोर्टफोलियो है वो इसको एक ल्यूक्रेटिव कंपनी बनाता है। और एचडीएफसी हम बैंक की बात करें, चाहे रिटेल बैंकिंग की बात करें, कॉरपोरेट बैंकिंग की बात करें, तो उसमें एचडीएफसी बैंक भारत का सबसे वैल्यूएबल बैंक है। और आज के टाइम पे जिस तरीके से इन दोनों कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, अगर इनका ये विलय मर्जर सक्सेसफुल हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये दोनों मिला के 14-15 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप बनेगा, जो कि काफी बेटर मार्केट कैप होगा। और करंट में रिलायंस और टीसीएस के आसपास जो है ये मार्केट कैप पहुंच जाएगा। अभी रिलायंस जो है मार्केट कैप के हिसाब से भारत की सबसे वैल्यूएबल और सबसे बड़ी कंपनी है, टीसीएस नंबर 2 पे है। तो जब ये मर्जर होगा तो इससे बहुत सारे इसमें जो है कई लोगों को ऐसा लगता है कि मर्जर का अनाउंसमेंट हुआ, और लगातार जो है इस तरीके की क्वेरीज हमारे पास में आ रही है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब भी इस तरीके के मार्केट में कोई इवेंट्स आते हैं किसी भी स्टॉक्स रिलेटेड, तो आपको उन इवेंट्स की अच्छे से स्टडी अगर जब तक नहीं है तो आपको मार्केट में कोई पोजीशन नहीं लेना चाहिए।
खासकर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि फ्यूचर्स और ऑप्शन में पोजीशन ले लेते हैं और उसके बाद फिर वॉलेटिलिटी में, जो इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी रहती है, उसमें ट्रैप हो जाते हैं। दोस्तों फ्यूचर और ऑप्शन जो है इन इंस्ट्रूमेंट में बिना प्रॉपर नॉलेज के, बिना प्रॉपर गाइडेंस के आपको ऑपरेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन ये न्यूज निकल के आई थी दोनों कंपनीज के शेयर जो है करीब करीब 15% का इनमें मोमेंटम देखने को मिला था और बहुत सारे ऑप्शन ऐसे थे जो कि 5 रुपए 7 रुपए के ऑप्शन इंट्राडे में 70 रुपए और 75 रुपए तक हो गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि 10 गुना तक भी आपका पैसा एक दिन में हो सकता है और इसका वाइस वर्सा भी हो जाता है। तो कई बार जब इस तरीके की न्यूज आती है तो बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं मार्केट की ग्रीड में ऑप्शन के माध्यम से या फ्यूचर के माध्यम से इसमें ट्रेडिंग पोजीशन ले लेते हैं और फिर फंस जाते हैं। तो मेरी सलाह आपको यही है दोस्तों, फ्यूचर और ऑप्शन को लेकर हम अपने यूट्यूब चैनल में एक विस्तृत सीरीज चलाएंगे। ऑप्शन में दोस्तों बहुत इजी आपको लगता है कि साहब 7 रुपए 8 रुपए का ऑप्शन है, 500 का लॉट साइज है, तो 4000 रुपए में मैंने 5 लॉट ले लिए तो मेरा टोटल जो कैपिटल है वो 20,000 का। पर ऑप्शन में ट्रेडिंग करना इतना ईजी नहीं है। ऑप्शन में ट्रेडिंग करने के लिए आपको बहुत सारे पैरामीटर समझना पड़ते हैं, ऑप्शन के कई टर्मिनोलॉजी होती है, उसके अलावा ऑप्शन की अलग अलग स्ट्रेटजीज होती हैं, ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं, चाहे डेल्टा की बात करें हम, थीटा की बात करें, गामा की बात करें, वेगा की बात करें, रो की बात करें, ऐसी ओपन इंटरेस्ट की बात करें, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे किस तरीके से बिल्ट अप हो रहा है, पुट कॉल रेशियो क्या है, बहुत सारे स्ट्रेडल स्ट्रेंगल के जो है प्रीमियम के हिसाब से, स्ट्रेडल के प्रीमियम के हिसाब से आपको रेंज निकालना पड़ती है। तो ये इतना आसान काम नहीं है कि आपको एक न्यूज मार्केट में निकल के आई और आपने पोजीशन लेना शुरू कर दिया। तो जब भी इस तरीके की कोई भी मार्केट टाइम में न्यूज निकल के आती है तो आपको धैर्य के साथ जो है इंतजार करना चाहिए। कोई भी स्टॉक्स कहीं भाग नहीं रहा है। अगर मान लीजिए कई ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो कि जब मोमेंटम आता है तो आप फिर मोमेंटम में सवार हो जाते हैं और आपको पता नहीं रहता कि ये मोमेंटम कहां तक जाएगा। तो कई ऐसे चार्ट हमने जब उस दिन ऑप्शन के देखे तो 70-75 रुपए तक जो है ऑप्शन के प्रीमियम गए और फिर इंट्राडे में वही 15-20 रुपए तक आ गया और पिछले अगले 2 से 3 दिन जो है इस इवेंट के बाद लगातार दोनों कंपनीज के ऑप्शन के प्रीमियम गिरे। क्योंकि जब भी इस तरीके से वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो डेल्टा की वैल्यू के अलावा जब आईवी की भी इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी और वेगा बढ़ता है तो उससे भी ऑप्शन का प्रीमियम जो है प्रभावित होता है और जब उसमें फिर गिरावट आती है या वॉलेटिलिटी कम हो जाती है तो टाइम वैल्यू में जिस तरीके से थीटा डिके होता है, टाइम जाता है तो ऑप्शन की प्रीमियम रिड्यूस होती है। इसलिए इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स आपको बहुत सोच समझ के, आपका एक एक रुपए एक एक पैनी आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है तो आपको काफी सोच समझ के इस तरीके की पोजीशंस लेना चाहिए। तो अब दोस्तों ये जो मर्जर होने वाला है, इस मर्जर में कम से कम हो सकता है कि आपको 1 साल लग जाए यहां से, हो सकता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाके मर्जर हो। तो इस मर्जर की कुछ जो इंपॉर्टेंट अप्रूवल है उनकी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ये मर्जर इतना आसान नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि किसी भी मर्जर के लिए सबसे पहले जो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं या जो शेयर होल्डर्स बोर्ड बनाते हैं कंपनी के, उनका सबसे पहले अप्रूवल लेना पड़ता है। जब उनका अप्रूवल इस मर्जर के लिए आ जाता है उसके बाद जो रेगुलेटर होते हैं जिस फील्ड में ये एंटिटीज जो है ऑपरेट होती हैं, जैसे सिक्योरिटी मार्केट की बात करें तो वहां का रेगुलेटर सेबी है तो सेबी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। बैंकिंग की बात करें तो वहां पे जो रेगुलेटर है वो आरबीआई है, आरबीआई का अप्रूवल लगेगा। इसके अंतर्गत एचडीएफसी की सब्सिडी, एचडीएफसी की इंश्योरेंस कंपनीज है तो वहां पे आईआरडीए का अप्रूवल लेना पड़ेगा। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई का इसमें अप्रूवल लगेगा, क्योंकि ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो डिसाइड करता है कि सही तरीके से ये जो भी बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन लेट डाउन किए गए हैं उसके तहत ही ये मर्जर हो रहा है कि नहीं, तो उनका अप्रूवल लगेगा। इसके अलावा नेशनल कंपनी जो इसका ट्रिब्यूनल होता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल होता है एनसीएलटी, उसका अप्रूवल लगेगा और उसके बाद में कंपनी फिर जो है कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड ऑफ कंपनीज है उसमें फाइलिंग होगी और फिर ये मर्जर कंप्लीट होगा। तो आप समझ सकते हैं कि अभी इस मर्जर को कई फेसों से गुजरना है। तो ये भी एक एस्पेक्ट ऐसा है कि किसी भी तरीके के मर्जर की एक्विजिशन की न्यूज आए तो आपको एकदम से उन शेयरों में उतर नहीं जाना है, आपको इंतजार करना है। हाँ, अगर आपके पास में उन शेयर से रिलेटेड पोजिशन है तो आपको प्रॉपर जो है ये अलग अलग जो पोर्टल्स होते हैं या जो अलग अलग फाइनेंशियल न्यूज पेपर्स होते हैं या जिन एक्सपर्ट्स के ऊपर आपको ट्रस्ट है उनके अलग अलग व्यूज को आपको कंपाइल करके जो है निर्णय लेना चाहिए। दोनों कंपनीज के फंडामेंटल में किसी भी तरीके का कोई इश्यूज नहीं है, पर अगर जो नए इन्वेस्टर्स इसमें घुस गए हैं इस वॉलेटिलिटी में तो कहीं ना कहीं उनको ये लर्निंग इस मर्जर से लेना चाहिए कि आपको जब तक पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है तो किसी भी तरीके के इवेंट्स को फॉलो करके आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट पोजिशन मार्केट में दोस्तों नहीं बनाना है। तो इतने सारे अप्रूवल में हो सकता है 1 साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए, हो सकता है अगले फाइनेंशियल ईयर के मिड में जाके ये मर्जर कंप्लीट हो।
पर कहीं ना कहीं अगर ये मर्जर हो जाता है तो फिर इसमें और अलग अलग रेशियो, जैसे HDFC के अलग अलग फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं, HDFC बैंक के अलग अलग फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं, किस तरीके से ये स्वैपिंग होगा, कितने उस पर जो है मर्जर ये टेक प्लेस होगा, बहुत सारी इसमें टेक्निकलिटी रहती है, कितने शेयर HDFC के, कितने जो है उसके HDFC बैंक के शेयर मिलेंगे। तो जब ये पूरा डिटेल निकल के आ जाएगा और ये मर्जर आगे बढ़ेगा तो हम आपको लगातार अपडेट देंगे, क्योंकि इन दोनों कंपनीज के मर्जर से रिलेटेड भी हमारे पास काफी क्वेरीज आई थी। तो मैंने कोशिश की है कि ये जो दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उनसे रिलेटेड कुछ मटेरियल कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत करूं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। आज के लिए मैं अभिषेक उपाध्याय आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।